2017 के पहले क्या होता था, ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे, क्योंकि भर्ती नहीं होती थी, भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक प्रक्रिया है, इस 7720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अभियाचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में, चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक, किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि साहब हमारी तैनाती हो जाए, क्योंकि उसे मालूम है, उसे विश्वास है। और युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि इस युवा के लिए ही सरकार पूरी ताकत लगा रही है, जिससे उसके उज्जवल भविष्य के माध्यम से हम प्रदेश के विकास के पथ को अग्रसर करके उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर सके। ये जो प्रक्रिया हमने यहां पर प्रारंभ की, ये प्रक्रिया उसी का हिस्सा है। 6 लाख सरकारी नौकरी मिलना और साथ साथ